जय माता दी मित्रों, माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम तात्कालिक मैत्री। पिछली वीडियो में हमने आपको जो है नैसर्गिक मैत्री के बारे में बता दिया था। अगर आप जो नैसर्गिक मैत्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जो है हमने लिंक सेंड कर दिया है और आप वहाँ पे से जाकर जो है उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तात्कालिक मैत्री की। तो तात्कालिक मैत्री क्या होती है, इसको कैसे देखते हैं कि तात्कालिक मैत्री क्या होती है। जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसमें तत्काल रूप से जो ग्रह है आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध बनाते हैं उसमें जो उनके साथ जो मैत्री होती है वही आपकी तात्कालिक मैत्री कहलाती है। जैसे इसको आप एग्जांपल के साथ देखते हैं, यहाँ पर एक कुंडली बनाई गई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हुई, ये मेष लग्न की कुंडली है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में यहाँ चंद्र बैठा हुआ है, ठीक है, लग्न में ही। तो अब देखते हैं चंद्र किसके घर में बैठा हुआ है। यहाँ पर राशि क्या है, मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो यहाँ पर चंद्र की मंगल के साथ देखते हैं कि इसकी तात्कालिक मैत्री में मित्रता है या शत्रुता है, ठीक है। तो अब जो चंद्र यहां है, मंगल कहां पर है, मंगल यहां से दूसरे भाव में बैठा है, एक दो दूसरे भाव में बैठा है। तो अब हमने यहां पे क्या बताया कि मित्र कब होगा, जब दूसरे भाव में होगा कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह से, ठीक है। मतलब जैसे आप चंद्र के लिए अगर हमें देखना है तो मंगल दूसरे में है इसलिए मित्र है इसका। कैसा मित्र, तात्कालिक मित्र है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मंगल जो है, मंगल किसके घर में बैठा, यहाँ पे जो है दो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। दो नंबर जो है वृषभ राशि होती है, शुक्र की राशि है। तो अब इसके लिए हमें किसको देखना होगा, अब हमें शुक्र को देखना होगा कि मंगल की क्या शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री है या नहीं है। क्या है देखते हैं, मंगल के लिए अब शुक्र को देखते हैं। शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ। तो यहाँ से अब शुक्र को देखते हैं कितने कौन से भाव में बैठा है, एक दो तीन चार, कौन से भाव में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव में बैठा है तो ये क्या है, इसका मंगल और शुक्र की तात्कालिक मित्रता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम उसके बाद देखते हैं शनि। शनि जो है चार नंबर कर्क राशि होती है। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा, ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पे चार नंबर है, तो चार नंबर कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रमा है। तो अब शनि से देखते हैं कि चंद्र जो है क्या इनकी तात्कालिक मैत्री में मित्रता है या शत्रुता है। तो वो देखने के लिए हम देखते हैं चंद्र शनि से कितने भाव में बैठा हुआ है। तो शनि यहाँ है, यहाँ से चंद्र देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, कौन से भाव में, दसवें भाव में बैठा हुआ है। और दसवें भाव अगर है तो क्या होगा, ये तात्कालिक मित्र होगा। क्लियर है। अब शनि के बाद हम शुक्र को देखते हैं। अब जो ये शुक्र है, शुक्र यहाँ पे पांच नंबर सिंह राशि हो गई, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य है। तो अब शुक्र की सूर्य के साथ देखते हैं मित्रता है या नहीं। अब ये भी क्या है, एक दो, मतलब कि इससे दूसरे नंबर में बैठा हुआ है सूर्य, तो इसका मतलब क्या होगा, तात्कालिक मित्र हो गया। क्लियर है। अब हम उसके बाद जो है ऐसी बुध की देखते हैं। अब बुध यहाँ पे क्या है, सूर्य देखते हैं, सूर्य की मतलब यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। अब सूर्य जो है छः नंबर मतलब कन्या राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुध हैं। तो सूर्य की बुध के साथ देखते हैं कि तात्कालिक मैत्री में मित्रता है या शत्रुता है। तो अब यहाँ पर सूर्य से बुध जो है एक दो दूसरे भाव में है, तो ये भी क्या हो गया, सूर्य और बुध की भी तात्कालिक मैत्री हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। अब उसके बाद हम देखते हैं बुध की। बुध जो है सात नंबर मतलब कि तुला राशि, शुक्र की राशि में बैठा है। अब हम इसके साथ देखते हैं कि बुध की शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री है, मतलब मैत्री में मित्रता है या शत्रुता है। गिनते हैं यहाँ से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, मतलब बुध और शुक्र में जो भाव आया है, मतलब यहाँ से बुध से जब हमने गिना तो ग्यारहवें भाव में बैठा हुआ है, कौन, शुक्र बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखना है कि ग्यारहवां नंबर कहाँ लिखा हुआ है, मित्र ग्रह में लिखा हुआ है, मतलब कि बुध की भी शुक्र के साथ तात्कालिक क्या है, मित्रता है। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पे देखते हैं गुरु की। गुरु बैठा है दस नंबर, ठीक है, यहाँ दस नंबर लिखा हुआ है। तो दस नंबर मतलब मकर राशि, ठीक है, मकर राशि के स्वामी शनि हो गए। अब शनि कहाँ है, यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं गुरु और शनि में क्या यहाँ पे तात्कालिक मैत्री में मित्रता है या शत्रुता है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये गुरु और शनि में जो है सातवें भाव में बैठा है शनि। अब सातवां नंबर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि शत्रु में। तो इसका मतलब गुरु और शनि की इस कुंडली में क्या है, तात्कालिक शत्रुता है।
तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, इस कुंडली में सभी ग्रहों की जो है तात्कालिक मित्रता हो गई, ठीक है। इसमें गुरु की जो है तात्कालिक शत्रुता होगी, राहु और केतु के परिणाम शनिवत होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बात और बताते हैं, इसको याद करने का तरीका सीधा सिंपल है बिल्कुल, कि अगर यहाँ चंद्र है और इस चंद्र की आपको देखनी है कि मंगल जो भी किसी भी ग्रह या कोई भी ग्रह लिखा हुआ है, यहाँ चंद्र नहीं कोई भी ग्रह लिखा हुआ है, तो उसकी तात्कालिक मैत्री है, मित्रता है, शत्रुता है। तो मित्रता के लिए ये है कि इस ग्रह से आगे एक दो तीन, तीन भाव आगे चलोगे, ठीक है, इस ग्रह से, और तीन पीछे, एक दो तीन। तो यहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठ गया, मतलब जैसे चंद्र यहाँ है और मंगल इन तीन में बैठ जाता या इन तीन भाव में बैठ जाता, तो क्या होता, तात्कालिक मित्रता होती। लेकिन अगर इसके अलावा मंगल यहाँ पर बैठ जाता या यहाँ पर बैठता, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब इसके अलावा जिन भाव में बैठता, तो वो क्या हो जाती, तात्कालिक शत्रुता हो जाती। तो ये सिंपल है कि अगर कोई भी ग्रह, अगर सपोज करो शनि है यहाँ पर और ये चार नंबर चंद्र का है, तो चंद्र कहाँ पर हो सकता था, यहाँ से तीन पहले, मतलब एक दो तीन, ठीक है, और तीन बाद में हो सकता था, एक दो तीन, अगर इन तीन में होता या इन तीन में होता, तो क्या होती, तात्कालिक मित्रता होती, अदरवाइज क्या होगी, तात्कालिक शत्रुता होगी। इस प्रकार से ये तात्कालिक मैत्री का टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी हमारे द्वारा जो है निःशुल्क कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।